arada Ali de çok şaşkın. Ben de biraz şaşkınım. Çünkü uzun zaman sonra biz yeniden röportaj veriyoruz. Yani o bir, zaman, yıl, bir yıl kadar oldu. Evet, bir yıl kadar oldu ya. Bir yıl oldu yani, bayağı oldu. O zaman inşallah sonrasında görüşeceğiz. Sonrası da göstereceğiz. Evet, şimdi gördüğünüz gibi yani Neslihan çok yoruldu. Ben de böyle aynı bir şey oldu. Yani 2 saat falan oldu. Biz böyle çalışıyoruz. Çocuklar da burada oturuyorsunuz. Çocuklar orada. Bu olmadığı için çok yani böyle bir şey oldu. Ondan sonra şimdi biraz geldi. Herkese selamünaleyküm, merhabalar. Yeni videomuza ve yeni vlogumuza hoş geldiniz. Burada Muhammed Emre'yi görüyorsunuz. Artık biz Muhammed Emre'nin saçlarını kestik. Burada da Rana. Bugün neden hazırlandım biraz söyleyeyim. Muhammed Emre ne yaptın? Bak gördün mü yaptığını? Hay Allah'ım, nasıl bir makyaj. Yemin ederim bu makyajdan nefret ediyorum. Ama bugün biraz da olsa yaptım. Hatta yüzümü gidip yıkamak istiyorum gerçekten. Röportajcılar geldi şu anda. Dışarıda iki tane kadın var, bir tane kameraman var. Oturuyorlar. Röportajımızı yapacaklar. O zaman ben artık gidiyorum. Röportajımızı izlemeyi unutmayın. बातें तो इनके साथ चलती रहेगी. आपको एक और बहुत मजेदार बात बताऊं, जिसने इनका नाम है ना मिक्स कुला, और शादी भी इनकी ऐसे ही हुई है, तो इनके बच्चे भी मिक्स मिक्स से ही है. इनके जैसे ये बेबी जो है ना, ये बिल्कुल इनकी जो है वो तुर्किश जैसी है, तुर्की वालों जैसी, और ये हमारे जैसी बिल्कुल देसी सी प्यारी सी भोली सी बेटी है. तो इनके बच्चों में भी बड़ी कैटेगरी देखी, तो इनके बच्चों में भी बहुत कैटेगरी देखने को मिल रही है, और बड़े मजे की ये चीज़ है. अच्छा मुझे बताओ, मम्मा पापा के बारे में क्या कहोगी? इसका कहना ये है कि पापा देसी मम्मा इम्पोर्टेंट, तो बिल्कुल आती है. अच्छा मुझे बताइए कि इसका क्या नाम है और इसका क्या नाम है? इसका रिच फातिमा है, और ये जो आपके साथ बैठा हुआ ये फ्लोर, ये लड़की है ना? हाँ जी, दोनों लड़की. तो बैठा हुआ तो नहीं, बैठी नहीं है ना? इस बार कैसा हुआ, इस बार कैसा हुआ? होते हैं, क्यों नहीं होता. इधर हल्दी कोई गलियों में वो आंटियां हैं, वो कहती हैं कि ये अपने बाबा जैसी, ये अपने मामा जैसी है. तो मैं कहती हूँ हाँ जी, अल्लाह की तरफ से. तो आप ही क्या तासुरात होते हैं जब इस तरह होता है? नहीं, तासुरात तब ये होते हैं कि एक बच्चा हमारे जैसा भी होना चाहिए, कोई ना कोई वालों को रहता है. वो कहते हैं इस बार कैसा होगा, इस बार क्या होगा, पूछते रहते हैं ऐसी बात. चलो जी, ये भी बड़ी मुनफरिद सी बात है. ये देखें, गौर से देखें, ये हमारे वाला बच्चा है, और ये जो है ये बाहर, ये जो है ये तुर्की मुल्क जैसा है. ठीक है ना? ओके, चलो अब चले, अब एनडी की तरफ जाएंगे. जी जी. Röportajımıza devam edeceğiz. Daha 8 dakika daha çekeceklermiş anladığım kadarıyla. Ali de burada. Ali de çok şaşkın. Ben de biraz şaşkınım. Çünkü uzun zaman sonra biz yeniden röportaj veriyoruz. Yani o bir, zaman, yıl, bir yıl kadar oldu. Evet, bir yıl kadar oldu ya. Bir yıl oldu yani, bayağı oldu. O zaman inşallah sonrasında görüşeceğiz. Sonrası da göstereceğiz. जब इशारों के साथ आपकी बातें होती थी तो समझ आ जाती थी या कोई गलत मतलब ले जाती थी? नहीं नहीं, मुझे तो समझ आती थी. होता है ना कभी इशारा कोई और किया और समझ कुछ और आ गया? जैसे इशारा करते थे वैसे ही नहीं समझ आती थी? जी हाँ, इशारे तो आ रहे हैं आपके जुबान. फिर आगे से मैं भी करती थी. अच्छा, फेमस कोई इशारा आपका जो बहुत चलता था वो क्या था? वो जब
घर में बैठे होते ना इनके घर में, तो हमने जाना होता था उधर, ज़्यादातर लोग मिलते हैं मस्जिदों में, तो ऐसे करते थे यानी कि मस्जिद का मीनार और ये वो सिस्टम। तो यानी कि मैं जाने लगा हूँ तो इनकी अम्मी अब को बोल के हेलो चल जा रहे हैं, तो ठीक है फिर अल्लाह हाफिज़। जब आपको गुस्से में कोई इशारा करना होता था तो कैसे करते थे, जब गुस्सा पर दिखा रहा होता फिर तो ऐसे कर सकती हूँ ना, मैंने एक दो दोबारा कीजिए और आपने जब माफी मांगनी होती थी फिर क्या इशारा होता था? माफी वाला इशारा रखा हुआ था खाली, तुम्हें माफ कर देते थे? मिला तो होगा लेकिन मुझे याद नहीं। मिलते हैं वैसे ऐसे लोग, मिलते हैं क्यों नहीं, जिनसे जान छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। हाँ, मिलते हैं। ये तो हर जगह मशहूर होते हैं, कोई आंटी तुर्की में ऐसी आंटी होती है, होती है क्यों नहीं, वो भी ऐसे पकड़ लेती थी। हाँ पकड़ लेती है। अच्छा अब आपने ना जिस तरह वो वीलॉग में बोला था सारा तुर्की में, बस वो बोलना है वो बात पता नहीं क्या बोलती थी, यानी कि वो हम तो ये कह रहे थे ना कि अपने ब्लॉग बना रही थी तब तक। अच्छा आप हुकूमत को ना तुर्की लैंग्वेज में सिर्फ आपने कहना है कि महंगाई जो है वो कम कर दे, ठीक है कह ले महंगाई कम कर दे तुर्की लैंग्वेज में। अच्छा मिक्स गुलाब आज कल महंगाई बहुत ज्यादा हो गई, आप लोग भी परेशान हो महंगाई की वजह से या नहीं? एवेज यानी ने नॉर्मल सा का दुनिया भी फैक्ट्री की मैं कैसे से ले रहा विरासत ये किसी भी जगह में सा कोई ये बुतुन है शे विरासत है इंद्र में कोई मिक्स है ये क्या है वो गुस्से में ये अपनी जुबान नहीं बोली जा रही महंगाई से इतना तंग है गुस्से में अपनी जुबान में बोल ये भी आपने क्या बोला पाकिस्तान में जो रहते हैं वो भी अब बहुत ज्यादा नाराज हो रहे हैं कि महंगाई जो है वो कम कर दे, तो बड़े प्यारे से ये मियां बीवी बड़ी प्यारी इनकी केमिस्ट्री है, बड़े प्यारे प्यारे इनके बच्चे हैं, बड़ा अच्छा लगा मुझे इनसे बात करके, उम्मीद है आपको भी इनकी वीडियो जो है वो पसंद आई होगी। अगली दफा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। तो मस्तियाँ वगैरह करते रहते हैं, हंसी मजाक करते रहते हैं और लोगों को एंटरटेन करते रहते हैं, इसके लिए इन्होंने एक पर्सनल चैनल भी शुरू किया हुआ है अली फिजा के नाम से, तो आप लोग यूट्यूब पे जाएं अली फिजा को लाइक करें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आप ये तुर्किश कपल की इंपोर्टेड कपल की जो है बातें रोजाना वहाँ जान सके। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगली दफा मिलेंगे किसी नई वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, अल्लाह हाफिज़। हरीज के साथ हरीज फातिमा अल्लाह ने मार दे चुकी है अल्लाह ने चुकी है मार दे दादा मार दे दे अरे आलू हां अरे आलू के फोन तमाम हरीज से बता ना सेंड कर मुझे तमाम चले बस इधर ही बैठे ले Şu anda röportajımıza aldılar. Şu anda kendileri gitti. Biz de biraz yorulduk. İçecek içiyorduk şu anda. Oturduk. Çocuklar da içti. Böyle yani röportajımızı aldılar. Ama ben biraz şeyim. Hiç anlaşamadım gibi insanlarla. Bilmiyorum. Kadınla anlaşamadım. Yani biraz ters geldi bana. Neden diye sorarsanız
biraz şey yani böyle sanki küçümsüyormuş gibi geldi bana kadın. O yüzden bilmiyorum yani iyi mi yaptık kötü mü yaptık ama Ali dedi diye ben de tamam dedim hani ne dedim arkadaşlar. Sen ne düşünüyorsun Ali bu konuda? Sen ne düşünüyorsun? Ben de yani sen doğru diyorsun. Ben doğru diyorum değil mi? Olsun verdik inşallah kanalımıza bir fayda olur yani ne diyorum ben. İnşallah bir faydası olur. Olmazsa da yapacak bir şey yok. Evet herkese tekrardan merhabalar. Gördüğünüz gibi bugünkü videomuzda bizden röportaj almaya geldiler ve röportajımızı verdik. Bence güzel geçti. İnşallah kanalımıza bir faydası olur. Bu arada yayına çıktığında da sizlere haber vereceğim. Bu arada lütfen videomuzu beğendiyseniz videomuzu beğenmeyi unutmayın. Kanalımıza hala abone olmayanlar abone de olsunlar. Instagram'dan bizlere ulaşmak isteyenler, bizleri takip etmek isteyenler açıklama kısmına gitsinler. Instagram'ımızın linki orada ve oraya tıklasınlar. Şu anda da çocuklar uzandı, televizyon izliyor. Artık uyuyacağız. Artık uyuyacağız çünkü çok çok yorulduk bugün. Hem de çok heyecanlıydım bugün. Hem de şu anda çok yoruldum. Uyumam lazım. Ondan sonra sabah güzel bir şekilde kalkmam lazım. İnşallah bugünkü videomuzu beğenirseniz, beğenirseniz diyorum, beğenirsiniz. O zaman kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Bir sonraki videoda sizlerle tekrardan görüşmek üzere. Bye bye.